हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो वी आर बैक विद द रिवीजन ऑफ वन मोर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। ये हमारा काफ़ी टाइम से छूटा हुआ था। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 7 और 8 रिवाइज कर चुके, वीडियोस अपलोडेड हैं, आप सभी ने देखे, मुझे बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज मिले एंड फीलिंग मोटिवेटेड। आप और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा बचे हुए चैप्टर्स भी अपलोड करने की। ठीक है, तो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1, एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम गवर्नेंस का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे एथिक्स पे। तो क्या होता है गवर्नेंस का मतलब? गवर्नेंस मीन्स गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन अ मैनर दैट मैक्सिमाइजेस द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विदाउट प्रिजुडाइसिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्टेक होल्डर। क्या बोलता है? गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनी के अफेयर्स को और कंपनी के ऑपरेशंस को इस तरह से गवर्न करना, इस तरह से मैनेज करना, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो बिना किसी इंडिविजुअल स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये गवर्नेंस फंक्शंस करते कौन है? गवर्नेंस फंक्शन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब जो प्रॉब्लम इनके सामने आती है गवर्नेंस करने में, वो ये कि गवर्नेंस करते टाइम किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखा जाए, खुद के इंटरेस्ट को या सभी स्टेक होल्डर्स और कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट को। तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये सिचुएशन गवर्निंग बॉडी के ऊपर अराइज होती है, क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब इसे डील करने में दो बातें सामने आती है, एक होते हैं लॉज एंड रूल्स और दूसरा होता है एथिक्स। अगर वो लोग लॉज एंड रूल्स फॉलो करते हैं तो लॉज बोलते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ना दे करके सभी स्टेक होल्डर्स एंड कंपनी एज ए होल के इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी देंगे, खुद के इंटरेस्ट को पहले नहीं रखेंगे, पहले कंपनी के इंटरेस्ट को देखेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में आप ऑपरेट एंड वर्क करेंगे। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं करते और खुद के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं, देन द लॉ एंड रूल कंटेन्स मेनी पेनलाइज प्रोविजन, जिससे कि उन्हें पेनलाइज किया जाएगा और पनिशमेंट किया जाएगा। तो इस पेनलाइज के डर से, इस पनिशमेंट के डर से वो लोग लॉ के लिए कंप्लायंट होते हैं और खुद के इंटरेस्ट से पहले दूसरे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने किस लिए किया? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉ। अब ये बात सामने आती है कि आज आपने लॉ को फॉलो किया, कल आप लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन लॉ तोड़ा जाता है, लॉ हमेशा फॉलो नहीं किया जाएगा। जब तक ये चीज आपके अंदर से नहीं डेवलप होती कि नहीं, मुझे मेरा इंटरेस्ट पहले नहीं देखना, मुझे कंपनी एज ए होल और बाकी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को पहले देखना है, तब तक आप कभी भी कंप्लायंट फील नहीं करोगे। तब तक आप अपने अंदर से, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी, तब तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडीज हैं वो कंप्लायंट नहीं होंगे। तो ये जो अंदर की हमारी आवाज़ आती है, जो हमें बताएगी कि नहीं, खुद के इंटरेस्ट को पहले नहीं देखना, पहले सभी के इंटरेस्ट को देखना है, इसे कहते हैं एथिक्स, इसे कहते हैं इनर कॉन्शियसनेस। तो जब गवर्नेंस लॉ के डर से नहीं, जब गवर्नेंस होगी अपने इनर कॉन्शियसनेस से, अपनी अंदर की आवाज़ को सुन करके, तो वो गवर्नेंस एक बेटर गवर्नेंस कहलाई जाएगी। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या देखेंगे। हम सबसे पहला पॉइंट, गवर्नेंस थ्रू इनर कॉन्शियसनेस। चलो पढ़ते हैं। तो इनर कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस टू लिसन टू द इनर वॉइस दैट वॉन्ट्स अस दैट देयर इज समवन हु इज वॉचिंग अस। तो इनर कॉन्शियसनेस क्या होता है? ये हमें एक अवेयरनेस है, इनर कॉन्शियसनेस एक अवेयरनेस है जो हमें बताता है, जो हमारे अंदर से एक आवाज आती है और हमें बोलती है कि गलत मत कर, कोई है जो तुझे देख रहा है। ठीक है, द क्रिएटिव एंड ब्यूटिफुल एज वेल एज करप्ट एंड डीजनरेट आर द आउटकम्स ऑफ आर कॉन्शियसनेस। चाहे आप क्रिएटिव एंड ब्यूटिफुल हैं या आपकी जो सोच है वो करप्ट या डीजनरेट है, दीज ऑल आर द आउटकम्स ऑफ आर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की क्वालिटी किसी आईक्यू लेवल या इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है किस तरह के संस्कार आपको मिले हैं, किस तरह की कॉन्शियसनेस में हम रहे हैं, हम पैदा हुए, हमें क्या संस्कार मिले, कैसी हमारी सोच बनी। अगर हम जहाँ पर रहे या हमें जिस तरह के संस्कार मिले कि कभी किसी का गलत नहीं करना, कभी किसी का बुरा नहीं करना,
कभी खुद के फायदे के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हमारी कॉन्शियसनेस उस तरह की बन जाएगी। और अगर हम ऐसे माहौल में रहे जहां पर हमें धोखाधड़ी, झूठ, चोरी चकारी, इस तरह के काम सिखाए गए या इस तरह के काम देखे, तो हमारा इनर कॉन्शियसनेस इसी तरह की आवाज़ आएगा, इसी तरह की आवाज़ आएगी हमारे अंदर से, और हमारे क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस उसी तरह की बन जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ आर कॉन्शियसनेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आईक्यू लेवल और इंटेलेक्ट, बट द कॉन्शियसनेस इन विच वी लिव। अब इसके दो पहलू होते हैं, कॉन्शियसनेस के दो पहलू होते हैं, एक गलत पहलू और एक सही पहलू। गलत पहलू को हमने कहा लोअर पार्ट, जो कि लोअर पार्ट जिसमें क्या बातें आती है, जिसमें आता है सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का फायदा, नीड्स हमारी जरूरतें, डिजायर्स हमारी इच्छाएं, ग्रीड्स लालच। तो इस तरह की जो ये बातें हैं ये मिलकर बनाती है इनर कॉन्शियसनेस का लोअर पार्ट। और जबकि जो सही पार्ट है जिसे कहते हैं हायर मेंटल कॉन्शियसनेस, वो किस वजह से बनता है, वो किन बातों से बनता है, वो बनता है ट्रुथ, सच्चाई, ब्यूटी, हार्मनी, गुडनेस एंड यूनिटी। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें मिलकर के बनाती है हायर मेंटल कॉन्शियसनेस। तो ओवरऑल कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होगा, एक अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या करेगी, एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएगी, इस तरह का माहौल बनाएगी कि जितने भी पीपल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब किस तरह से काम करें, जेन्युइननेस, सोशल, एथिकल और अपनी इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ के। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल पीपल्स डिस्प्ले जेन्युइन सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे एथिक्स को, एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखो हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि दो कोर्स ऑफ एक्शंस में से या दो एक्शंस में से हमें चूज करना होता है कि क्या मोरली सही है, क्या एथिकली सही है और क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता, तो कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या बातें सही होगी और क्या गलत, व्हाट आर द रॉन्ग्स एंड व्हाट आर द राइट्स। तो वो जो स्टैंडर्ड्स और वो जो सेट हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें कहते हैं एथिक्स। ठीक है, तो एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर। ये वो मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन का बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए मोरली। एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स दैट डिफरेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। एथिक्स वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स हैं जो कि सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। एथिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस बट अ क्रिएशन ऑफ माइंड। एथिक्स कोई साइंस नहीं है, एथिक्स कोई लॉ नहीं है, इसके कोई प्रोविजंस नहीं है, इसकी कोई टेक्नोलॉजी या इसके कोई लॉजिक्स नहीं होते। एथिक्स सिर्फ एक माइंड की क्रिएशन है जो कि हमारे दिमाग में पैदा होती है। हमारा दिमाग और हमारा दिल जिन बातों को सही बोलता है या जिन बातों को गलत बोलता है वो सब कहलाती हैं एथिक्स। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो एथिक्स टेल्स अस व्हेन आवर बिहेवियर इज मोरल एंड व्हेन इट इज इमोरल। एथिक्स हमें बताएगी कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो एक्शंस हैं, कौन से बिहेवियर मोरल हैं और कौन से इमोरल हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोशल वैल्यूज। एथिकल प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स किसी साइंस के ऊपर या लॉज के ऊपर नहीं बनते, ये डिराइव्ड होते हैं सोशल वैल्यूज से। सोसाइटी में व्हाट आर द एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शंस एंड व्हाट आर द अनएक्सेप्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी नॉट एक्सपेक्टेड, दैट इज एक्सेप्टेड। तो किन बातों को सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है और किन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वही बन जाती है सोशल वैल्यूज और वही मिलके बनाते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स। तो एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। देखो जो चीज़ यहाँ सही है वही बाहर भी सही होगी। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पर चोरी करना सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में चोरी करना अच्छा होगा, साउथ अफ्रीका में चोरी करना अच्छा होगा या पाकिस्तान में चोरी करना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। चोरी करना यहाँ गलत है तो चोरी करना वहाँ भी गलत है। मर्डर करना, किसी का नुकसान करना यहाँ गलत है तो मर्डर करना, किसी का नुकसान करना वहाँ भी गलत है। तो दीज आर एथिकल प्रिंसिपल्स और ये यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, सभी जगह ऑपरेट करते हैं। देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज बिटवीन एथिकल एंड नॉन एथिकल।
एंड दस पीपल ऑफन फेसेस एथिकल डिलेमा। देखो एथिक्स की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, एथिक्स कहीं लॉ में नहीं लिखी गई कि ये पर्टिकुलर चीजें एथिकल है और ये पर्टिकुलर चीजें अनएथिकल है। एथिक्स की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती और इस वजह से अक्सर ये सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसे कहते हैं एथिकल डिलेमा। हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके एथिकल डिलेमा को। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एथिकल है और क्या नॉन एथिकल है। द प्राइमरी एम ऑफ एथिक्स इज फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल। एथिक्स का प्राइमरी एम क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू ऑल, सबके साथ एक जैसा और फेयर व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के राइट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। लीगलिटी ऑफ एक्शंस डज नॉट नेसेसरीली मेक देम एथिकल। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर इलीगल है तो वो एथिकल नहीं है, या कोई जरूरी नहीं कि चीज़ नॉन एथिकल है तो उसे हम इलीगल बोल देंगे। लीगलिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड एथिक्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लीगलिटी को एथिक्स से रिलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नॉट हेल्पिंग एन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट मे बी अनएथिकल बट नॉट इलीगल। रास्ते में हम निकल रहे थे, किसी का एक्सीडेंट देखा, ये गलत बात है कि हम किसी को, किसी जरूरतमंद को बीच रास्ते में छोड़ के निकल गए। हमने उसको ना उठाया, ना उसे हॉस्पिटल तक ले गए, ना उसके हालचाल पूछे। तो हमारे एथिक्स, हमारे अंदर की आवाज बोलती है कि ये तूने बहुत गलत किया, लेकिन क्या हमें उसकी पनिशमेंट मिलेगी? नहीं। लॉ नहीं बोलता कि आपने किसी रास्ते चलते को, किसी जो रास्ते में बीमार है, किसी का एक्सीडेंट है, कोई इंजर्ड गिरा हुआ है, उसकी आपने मदद नहीं की तो आपको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा। इसे इलीगल नहीं बोला जाएगा, इसलिए एथिक्स को लीगलिटी से रिलेट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एथिक्स इन बिजनेस। अभी तक हमने एथिक्स इन जनरल पढ़ा कि जो बातें हमें सही करनी चाहिए वो एथिक्स होती है, और एक पर्सन के बिहेवियर को जो बातें गवर्न करती हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब इन्हें स्टैंडर्ड्स को हम बिजनेस में किस तरह से अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली बिजनेस में, बिजनेस का जो एम है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, वो है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। पर उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना विदाउट अफेक्टिंग राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, वो कहलाएगा एथिक्स का एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो बिजनेस एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स एंड द कोड ऑफ कंडक्ट दैट बिजनेसमैन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डीलिंग विद अदर्स। तो जब बिजनेसमैन दूसरों से डील करेगा, दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा? किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को मिसजज नहीं करना, किसी को ये मिसलीड नहीं करना। तो ये सब कहलाएंगे बिजनेस एथिक्स के मोरल प्रिंसिपल, ठीक है? तो बिजनेसेस मस्ट बैलेंस देयर डिजायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स अगेंस्ट द नीड ऑफ स्टेक होल्डर। बिजनेसेस को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों चीजों में, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में और स्टेक होल्डर्स की नीड के बीच में। उन्हें अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने पर किसी स्टेक होल्डर के नुकसान के चलते नहीं, किसी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए बिजनेस को अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने में। तो एथिक्स इन बिजनेस इज नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब बिजनेस में एथिक्स जरूरी क्यों है? इन वजह से, सबसे पहला, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड सोसाइटी बाय विच द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स द बिजनेस टू वर्क इन इट्स इंटरेस्ट। देखो बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, सोसाइटी की ह्यूमन पावर को यूज करता है, और अपने जो भी पोल्यूशन है वो सोसाइटी में रिलीज करता है। तो इतनी सारी चीजें वो सोसाइटी से लेता है, तो सोसाइटी भी बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस भी उसके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कदम उठाए, कुछ इनिशिएशन करे। तो इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से बिजनेस की जरूरत पड़ती है, बिजनेस की ये बिजनेस के लिए कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और सोसाइटी के इंटरेस्ट में वर्क करना और सोसाइटी के राइट्स को अफेक्ट नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट वजह क्या है बिजनेस में एथिक्स को अप्लाई करने की? एन ऑनेस्ट एंड फेयर बिजनेस एंटरप्राइज अर्न्स द ट्रस्ट एंड गुडविल ऑफ इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एंड स्टेक होल्डर, एंड दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन हाई अर्निंग्स
ड्यू टू हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो अगर कोई बिजनेस फेयरली और ऑनेस्टली डील करेगा तो उसकी मार्केट में ट्रस्ट और गुडविल जनरेट होगी, उसके कस्टमर्स, उसके एम्प्लॉइज और उसके स्टेक होल्डर्स की निगाहों में एक बिजनेस एक अच्छी इमेज इंजॉय करेगा, और अल्टीमेटली इससे होगा क्या, उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी। इसलिए बिजनेस में एथिक्स अप्लाई करना जरूरी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ड्यू टू सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस हैज टू कंडक्ट एथिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन। देखो कोई भी कंपनी क्या है, एक आर्टिकल जुरिडिकल पर्सन है। एक कंपनी की एक सिटीजनशिप होती है, हमें एक कंपनी की एक नेशनैलिटी होती है, उसे कहा जाता है कि ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी का स्टेटस क्या है, कि ये इंडियन है, फॉरेन है या किसी और कंट्री की है। तो जिस कंपनी के रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है, जिस कंपनी के एनवायरनमेंट वो यूज़ कर रही है, उस कंपनी की उस कंट्री के लिए, उस नेशन के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, और इस वजह से उसे एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और एथिकली अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करना नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट है, एथिकल पॉलिसीज बिल्ड गुडविल ऑफ द कंपनी विच रिजल्ट्स इन गेन इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जो एथिकल पॉलिसीज हैं उससे क्या बनती है, कंपनी की गुडविल बनती है, और ऑब्वियसली मार्केट में अगर दो कंपनीज है, वन विच एंजॉयज अ गुड गुडविल और एक जिसकी अच्छी इमेज नहीं है, तो ऑलवेज कस्टमर विल प्रेफर द वन विच हैज अ गुड गुडविल। ओके, तो इससे कंपनी को क्या मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। एंड लास्ट रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस में एथिक्स को अप्लाई करने की, बिजनेस कैन प्रॉस्पर ओनली वेन अ सोसाइटी इज स्टेबल एंड पीसफुल। अगर जिस सोसाइटी में बिजनेस है वो अगर स्टेबल या पीसफुल नहीं है तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा, और सोसाइटी को स्टेबल और पीसफुल बनाने के लिए बिजनेस को एथिकली कंडक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, थ्योरीज ऑफ एथिक्स। थ्योरीज ऑफ एथिक्स बोलती हैं कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग राइटर्स एथिक्स को किस तरह से समझते हैं, कि नहीं दो कोर्स ऑफ एक्शंस में से अलग अलग थ्योरीज किसे एथिकल बोलती है और किसे अनएथिकल बोलती है। तो अलग अलग थ्योरीज एथिक्स को अलग अलग तरीके से नोटिस करती है, अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी। तो डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी या केंशियन एथिक्स थ्योरी को किस तरह से डिफाइन करती है, सॉरी एथिक्स को किस तरह से डिफाइन करती है और एथिक्स को किस तरह से समझती है। देखो ये थ्योरी बोलती है कि हमें इससे मतलब नहीं कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी के अच्छे के लिए किए जा रहे हैं या बुरे के लिए किया जा रहे हैं। पर ये थ्योरी जोर देती है, ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है उनको करने के तरीकों के ऊपर, उनको करने की ड्यूटी और इंटेंशन के ऊपर। जो पर्सन, जो एक्टर है किसी भी एक्शन का, वो किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को, किसी पर्टिकुलर एक्शन को किस तरह से कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है, और उसके इंटेंशंस अगर सही हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, उन एक्शंस को क्या कहा जाएगा, एथिकल एक्शंस कहा जाएगा। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहे कॉन्सिक्वेंसेस भले ही अच्छे हो पर उनको करने का तरीका गलत है या आपके इंटेंशंस गलत हैं तो उन्हें अनएथिकल कहा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्शंस आर जज्ड एज एथिकल और अनएथिकल बेस्ड ऑन ड्यूटी और इंटेंशंस ऑफ एन एक्टर। ठीक है, तो एक्शंस को एथिकल और अनएथिकल किस बेसिस पर जज किया जाएगा, एक्टर के ड्यूटी और इंटेंशंस के ऊपर। सम एक्ट्स आर ऑलवेज रॉन्ग दो देयर कॉन्सिक्वेंसेस आर गुड। हम किसी और का पैसा चोरी करके किसी और को दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं, मैंने तो जिसको पैसा दिया मैंने उसका भला किया, मेरा इंटेंशन ये था कि मैंने इससे चोरी की और सामने वाले को फायदा पहुंचाया, लेकिन मेरे ये जो मेरा फायदा पहुंचाने का तरीका था ये गलत था। तो भले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही हैं, मैंने किसी अमीर आदमी का पैसा चुरा करके किसी गरीब को दिया, भले ही मैंने किया अच्छा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं, पर वो करने का मेरा तरीका गलत है। तो एज पर डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी इस तरह के एक्ट्स अनएथिकल माने जाएंगे। एज पर दिस थ्योरी इमोशंस, हैप्पीनेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस प्ले नो रोल इन मोरल एक्शंस। मोरल एक्शंस में इमोशंस, हैप्पीनेस और कॉन्सिक्वेंसेस का कोई रोल नहीं है,
सिर्फ आपके इंटेंशंस और आपकी ड्यूटी सही होने चाहिए, फिर उन्हें एथिकल या नॉन एथिकल माना जाएगा। ह्यूमंस हैव यूनिक कैपेसिटी फॉर रैशनैलिटी एंड दिस एबिलिटी शुड बी यूज्ड फॉर द मॉरल लॉ एंड ड्यूटी। देखो, ह्यूमंस के पास पावर है कि वो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ ह्यूमंस में ये पावर है, कोई एनिमल सही और गलत का फैसला या सही और गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो जब ह्यूमन के पास ये कैपेसिटी और ये पावर है तो उसे सही और गलत में चुनना जरूरी है। जो सही रास्ते हैं उसे वही चुनने जरूरी हैं, जो मॉरल लॉ और उसकी ड्यूटी है उन्हें उन्हीं को चूज करना जरूरी है। ये डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी कहती है। वेयर यूटिलिटेरियनिज्म इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द गुड, डियोन्टोलॉजी इज मोर नेगेटिवली फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग इम्परमिसिबल। देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी, इसके बाद आएगी यूटिलिटेरियन थ्योरी। हमने बोला डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी किस पर एम्फेसाइज करती है, आपके तरीके सही होने चाहिए, आपके एक्शंस सही होने चाहिए, आपके इंटेंशन सही होने चाहिए, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। यूटिलिटेरियन थ्योरी इसके अगेंस्ट क्या बोलती है, आपके एक्शंस कुछ भी हो उनके कॉन्सिक्वेंसेस गुड होने चाहिए, उनके बेनिफिट्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो दोनों थ्योरी एक दूसरे के अपोजिट बात करती है। यूटिलिटेरियन थ्योरी इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमाइजिंग द गुड, वेयर एज डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी इज नेगेटिवली फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग इम्परमिसिबल। डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी किस पर फोकस करती है कि जो इम्परमिसिबल है, जिसकी परमिशन नहीं है या जो गलत है वो नहीं करना है, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ही अच्छे क्यों ना हो। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है यूटिलिटेरियन अप्रोच, जिसे हम कहते हैं एथिक्स ऑफ वेलफेयर। तो इसका एम क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग द गुड, चाहे आपके कोर्स ऑफ एक्शंस कुछ भी हो, आपके बिहेवियर्स कुछ भी हो, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो गुड होने चाहिए, कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फायदा। ये इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन एक्शंस को एथिकल कहा जाएगा। तो दिस थ्योरी फोकसेस ऑन बिहेवियर्स एंड देयर रिजल्ट्स, नॉट ऑन द मीन्स ऑफ सच एक्शंस। ठीक है, वो किस तरह से की जा रही है एक्शंस उससे मतलब नहीं है, ये फोकस करता है उनके बिहेवियर और उनके रिजल्ट्स पे। एज पर दिस थ्योरी एन एक्शन इज कंसिडर्ड एथिकल इफ इट रिजल्ट्स इन द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एथिकल किसे माना जाएगा, अगर उसके रिजल्ट्स जो हैं ग्रेटेस्ट नंबर की हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क कर रहे हैं। इट कंसिडर्स द पॉलिसी विच प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट नेट बेनिफिट ऑन लोएस्ट नेट कॉस्ट। एथिकल उन एक्शंस को बोला जाएगा जिनके नेट बेनिफिट्स सबसे ज्यादा हैं एट लोएस्ट नेट कॉस्ट या लोएस्ट मिनिमम एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन एक्शन इज राइट फ्रॉम एथिकल पॉइंट इफ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट आर ग्रेटर देन द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर एक्ट। ये क्या बोलती है, अगर हमारे पास दो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, दो सिचुएशंस हैं, तो उन दोनों में से किसे एथिकल बोला जाएगा जिसकी सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज मतलब सम टोटल ऑफ बेनिफिट्स या टोटल बेनिफिट जिसमें ज्यादा है उसे एथिकल बोला जाएगा। तो जब इस थ्योरी ने ये पॉइंट डाला, इसकी ये पॉलिसी है कि सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज जिसकी ज्यादा है उसे एथिकल बोला जाएगा, तो इस पॉइंट को डालने के साथ ही, इस पॉइंट को कंसिडर करने के साथ ही, इस थ्योरी का एक इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाती है। वो लिमिटेशन क्या है, किसने बोला जिस एक्शन की सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज ज्यादा है उसे हम बोलेंगे एथिकल, लेकिन यूटिलिटीज का कैलकुलेशन हो सकता है क्या, क्या यूटिलिटीज को काउंट किया जा सकता है, नहीं। किससे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, अगर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, किसका ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। इसलिए दिस अप्रोच लीड्स टू एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन यूटिलिटेरियन थ्योरी बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट एक्शंस। एग्जाम्पल क्या है इस थ्योरी का, वन मे बी टेम्पटेड टू स्टील फ्रॉम अ रिच वेस्टरल एंड गिव टू स्टार्विंग फैमिली। जैसा कि हमने बोला था, डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी तो इसके अगेंस्ट है कि आप अगर गलत तरीके से कर रहे हो, किसी अमीर का चुरा करके किसी भूखे को दे रहे हो, किसी गरीब को दे रहे हो, तो डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी उसे सही नहीं बोलती, क्योंकि आपने गलत तरीके से सही किया है। पर
यूटिलिटेरियन थ्योरी बोलती है कि आपके जो अल्टी जो अल्टीमेट जो फाइनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो फाइनल आउटकम्स हैं, वो गुड हैं। मतलब आप एक भूखे का पेट भर रहे हो चाहे अमीर से चुरा करके, तो जो यूटिलिटेरियन अप्रोच है उसे एथिकल बोलती है, उसे राइट माना जाता है एज पर यूटिलिटेरियन अप्रोच। नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी आएगी वो है टेलियोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल थ्योरीज क्या बोलती है, टेलोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंड्स और पर्पजेज। तो कहीं ना कहीं टेलियोलॉजिकल थ्योरीज और यूटिलिटेरियन थ्योरीज में कई सिमिलैरिटीज हैं, वो भी कॉन्सिक्वेंसेज को, ये भी कॉन्सिक्वेंसेज और एंड या इसके जो पर्पज हैं उसे प्रेफरेंस देती है। तो एज पर दिस थ्योरी एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट डिटरमाइंस वेदर इट इज गुड और बैड। उस पर्टिकुलर एक्शन के मतलब या किसी भी एक्ट के एंड्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उन्हें उसके बिहाफ पर गुड या बैड बोला जाएगा। और ये थ्योरी क्या करती है, ये थ्योरी कंसिडर करती है फुल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इन एनी बिजनेस डिसीजन। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच एक जनरल अप्रोच है, ये जनरल एज ए जनरल ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई होता है। और टेलियोलॉजिकल थ्योरीज जो है ये बिजनेस को कंसिडर करती है, ये बिजनेस डिसीजंस में टेलियोलॉजिकल थ्योरीज को कंसिडर किया जाता है। और ये सभी स्टेक होल्डर्स अ फुल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करती है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है वर्च्यू थ्योरी। वर्च्यू थ्योरी किसने दी, एरिस्टोटल ने। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना सा बोलती है थ्योरी कि हमें कंसर्न विद हाउ टू लिव अ गुड लाइफ एंड हाउ टू बी अ गुड पर्सन। बस इतना बोलती है कि हम कैसे अच्छी जिंदगी जिए और कैसे हम एक अच्छे पर्सन होते हैं। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इसे मॉडिफाई किया, इसे एमर्ज किया गया और एक नई थ्योरी जनरेट की गई, द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी, जिसे बोलते हैं मॉडर्न वर्च्यू थ्योरी। तो एज पर दिस थ्योरी क्या बोलता है कि जो सही हमारे अंदर की जो अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सही कर दिया, हमने एक बार सच बोल दिया तो हम एथिकल हो गए, नहीं। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार सच बोलना है या एक बार किसी की अच्छाई करनी है, हमें हर बार सच बोलना है। वो सच्चाई हमें किसी लॉ के डर से नहीं, वो हमारे अंदर से होनी चाहिए, वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट होना चाहिए। द वर्च्यू इज अ कैरेक्टर ट्रेट, ठीक है। तो उसे हमेशा अप्लाई करना है, ना कि कभी कभी अप्लाई करना है। तो पढ़ते हैं, ऑनेस्टी डज नॉट इम्प्लाई टेलिंग द ट्रूथ वंस बट हैज टू बी द ट्रेट ऑफ ए पर्सन एज अ जनरल प्रैक्टिस। क्या बोलता है, ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी का मतलब यह है कि एक बार आपने सच बोल दिया, ठीक है। ऑनेस्टी डज नॉट इम्प्लाई टेलिंग द ट्रूथ वंस, पर यह आपके एक पर्सन के जनरल प्रैक्टिस का एक हिस्सा होना चाहिए, हमेशा ही उसे सच बोलना है, ठीक है। दस वर्च्यू इज अ कैरेक्टर ट्रेट दैट इज एसेंशियल फॉर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। तो वर्च्यू क्या है, ये हमारे एक कैरेक्टर का हिस्सा है, ये कैरेक्टर ट्रेट है, ठीक है, जो कि जरूरी है फॉर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रोल ऑफ एथिक्स इज टू इनेबल अस टू लीड अ सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ। तो एरिस्टोटल के हिसाब से एथिक्स क्या है, एथिक्स वो है कि जिसको फॉलो करके हम एक सक्सेसफुल और गुड लाइफ को लीड करेंगे, ठीक है। जिन एक्शंस को हम करेंगे और उनसे हम एक सक्सेसफुल और एक अच्छी जिंदगी जीने पे जीने की तरफ तत्पर हो रहे हैं, उन एक्ट्स को बोलेंगे एथिकल। वर्च्यूज ऑफ सक्सेसफुल लिविंग अप्लाई टू बिजनेस ऑल्सो, दिस वुड रिक्वायर डिटरमाइनिंग द एंड एट विच बिजनेस एक्टिविटी एम्स। तो जो सक्सेसफुल लिविंग के वर्च्यूज हैं, इसे अभी हमने एक जनरल सेंस में पढ़ा, एक इंडिविजुअल लाइफ के सेंस में पढ़ा, पर ये जो थ्योरी है इसे हम बिजनेस एक्टिविटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है जस्टिस थ्योरी। देखो अभी तक हमने पढ़ा यूटिलिटेरियन थ्योरी पढ़ी, जिसमें हमने बोला कि कॉन्सिक्वेंसेस मैक्सिमम होने चाहिए, पर कॉन्सिक्वेंसेस तो मैक्सिमम होने चाहिए, पर आप देख रहे हो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक ही एक को आपने ज्यादा फायदा दे दिया, बाकी सबको कम दिया। तो ये थ्योरी यूटिलिटेरियन थ्योरी के थ्योरी को कंसिडर करते हुए उस पर फोकस किया कि यूटिलिटेरियन थ्योरी ने मैक्सिमाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस इस पर तो जोर दिया,
लेकिन सबको इक्वल मिलना चाहिए, सबका फायदा इक्वल होना चाहिए, जो बेनिफिट्स हैं उन्हें एक इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये बोलता है जस्टिस थ्योरी। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एन आइडिया दैट ऑल इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, जो भी इक्वल है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि हर तरह से हर एस्पेक्ट में इक्वल है तो उसे इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जस्टिस डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। जस्टिस तब नहीं होगा कि सिर्फ फायदे ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, जस्टिस तब होगा कि जो फायदे हुए हैं वो सबको बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो एज पर जॉन रॉल ने जस्टिस थ्योरी दी है, तो एज पर जॉन रॉल यूटिलिटेरियन फोकसेस ऑन हाईएस्ट वेलफेयर बट डू नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू द वे इन विच यूटिलिटी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी ने ये तो बोल दिया कि वेलफेयर हाईएस्ट होना चाहिए, पर उसने इस पर जोर नहीं दिया कि जो यूटिलिटी है वो एक इक्वल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो एज पर दिस थ्योरी अ रैशनल पर्सन शेल चूज ऑल्टरनेटिव इन विच वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इज स्टिल बेटर देन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी अदर ऑल्टरनेटिव। तो इस थ्योरी में ये थ्योरी क्या बोलती है, एक जो रेशनल पर्सन होगा, एक जो सच्चा इंसान होगा जिसे सही और गलत की पहचान है, वो अगर उसके सामने दो दो अल्टरनेटिव्स हैं तो उन दोनों अल्टरनेटिव्स में से वो किसे चूज करेगा, किसे एथिकल माना जाएगा, जिसके बुरे से बुरे परिणाम भी जिसमें कम हो। मान लेते हैं दो अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, दोनों के क्या हैं, नेगेटिव आउटकम्स हैं, तो वो उसे चूज करेगा जिसके कम नेगेटिव आउटकम्स तो हैं पर जिसमें कम नेगेटिव आउटकम्स होंगे वो एक रेशनल पर्सन उसे चूज करेगा एज पर दिस थ्योरी। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है थ्योरी ऑफ ईगोइज्म। देखो ईगो का मतलब क्या होता है, आई। ईगो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब मैं। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि आप कंसिडर करो खुद को, हमें खुद का बेनिफिट देखना चाहिए, खुद के बेनिफिट्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन किसी और के नुकसान पे नहीं। खुद के फायदे करो लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचा के नहीं, बस इतना बोलती है थ्योरी। तो एज पर दिस थ्योरी एन एक्शन इज मोरली करेक्ट इफ इट इंक्रीजेस बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल इन अ वे दैट डज नॉट इंटेंशनली हर्ट्स अदर। मतलब खुद के बेनिफिट्स को इंक्रीज करो, मैक्सिमम करो, बट इंटेंशनली किसी और के बेनिफिट को हर्ट करके या नुकसान पहुंचा के नहीं। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गई थ्योरी ऑफ इगोइज्म। और लास्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म। ये थ्योरी बोलती है कि एथिक्स कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ पर बेसिस नहीं होती, एथिक्स की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, एथिक्स वेरी करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस, और ये डेमोग्राफी टू डेमोग्राफी। ठीक है, तो क्या बोलता है, एज पर दिस थ्योरी देर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ इन एथिक्स एंड व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी। ठीक है, तो ये बोलती है कि थ्योरी आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, देर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ इन एथिक्स। ठीक है, एथिक्स में कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है कि इन्हें एथिकल बोला जाएगा और इन्हें अनएथिकल बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ट्रुथ इज ऑलवेज रिलेटिव टू सम पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये थ्योरी बोलती है कि जो ट्रुथ है वो हमेशा डिपेंड करता है, हमेशा रिलेट होता है किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि किलिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट्स कुड बी राइट इन वन कल्चर एंड रॉन्ग इन अनादर। तो जानवरों की हत्या करना, जानवरों को मारना स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है किसी कल्चर में सही हो और किसी कल्चर में गलत। तो ये बोलती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म कि एथिकल हम एथिक्स के कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्पेसिफिक लिमिटेशंस नहीं है, कहीं एथिक के प्रिंसिपल्स हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन। तो ये हमने पढ़ी 8 थ्योरीज ऑफ एथिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस
एथिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स का मतलब ये है कि बिजनेस के किन किन फील्ड्स में हम एथिक्स को कब कब अप्लाई कर सकते हैं, किन किन एरियाज में, किन किन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या एथिकल इश्यूज जनरेट होते हैं वो समझते हैं हम। तो सबसे पहला है एथिक्स इन कंप्लायंस। एक बिजनेस का एस्पेक्ट होता है कंप्लायंस, मतलब एक बिजनेस को कंप्लायंट होना चाहिए, सभी लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए, उसे सही करना है, किसी का गलत नहीं करना। तो बीइंग कंप्लायंट ड्यू टू फियर ऑफ लॉ या ड्यू टू फियर ऑफ रूल्स, सिर्फ हमें ड्यू टू फियर ऑफ रूल्स ही कंप्लायंट नहीं होना है, ये हमारा एक कैरेक्टर ट्रेट होना चाहिए, ये हमारे अंदर से आना चाहिए। हमारी हम जबरदस्ती लॉ से ना बंधे कि भाई हम अगर फॉर एग्जाम्पल हम हेलमेट पहन रहे हैं किस लिए, क्योंकि हमारा चालान कटेगा, तो उस डर से हमें हेलमेट नहीं पहनना, हमें लॉ से बाउंड हों, हम चाहें कि हम लॉ को फॉलो करें, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए, ना कि हमारा डर होना चाहिए। तो क्या बोलता है, मोटिवेशन फॉर बीइंग कंप्लायंट कुड बी ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से हम कंप्लायंट होते हैं, रादर देन अ डिजायर टू अबाइड बाय लॉ, ना कि हमारी इच्छा होती है कि हम लॉ को फॉलो करें, कि हम लॉ को लॉ से हम बाउंड हों। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एथिकल क्लाइमेट एंश्योर्स कंप्लायंस ड्यू टू डिजायर टू बी अबाइड बाय लॉ। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिकल क्लाइमेट होगा तो उससे ये हमारी इच्छा होगी, ये ना कि हमारा डर कि हम लॉ से बंधें और उसे फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है एथिक्स इन फाइनेंस। फाइनेंस में क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं और फाइनेंस में क्या क्या किन किन जगह एथिक्स अप्लाई होती है, देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो इस तरह की कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस जनरली फाइनेंस में देखी जाती है, जैसे कि विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने हिसाब से मिसलीड करना, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, किसी को डिसीज करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए या टैक्स बचाने के लिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस नॉट एट आर्म लेंथ, देखो जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो अवॉइड करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि एक कंपनी को या एक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में एंटर नहीं करना चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस होती हैं कि अपने किसी रिलेटिव के साथ कंपनी की ट्रांजेक्शंस करना, और उससे क्या होगा कि हम कंपनी का नुकसान करेंगे और अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाएंगे। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो रही हैं नॉट एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ होता है भले ही मैं अपने रिलेटिव से ट्रांजेक्शन कर रहा हूं पर उसी प्राइस पे कर रहा हूं। मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं कंपनी का कोई प्रोडक्ट अपने रिलेटिव को बेच रहा हूं, पर अगर उसे मैं आर्म्स लेंथ प्राइस पर बेच रहा हूं, मतलब कि जो प्राइस मार्केट में एक्सेप्टेड है, जो मैं जिस प्राइस में मार्केट में बेच रहा हूँ उसी प्राइस में मैं अगर अपने रिलेटिव्स को बेच रहा हूँ तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने रिलेटिव को कम प्राइस पर दे रहा हूँ, उसका फायदा कर रहा हूँ और कंपनी का नुकसान, तो ये सब फाइनेंस में एथिकल इश्यूज कहलाते हैं, ऐसा करना एथिकली गलत है। इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड, देखो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, कोई पर्सन जो कंपनी का चाहे एम्प्लॉई हो चाहे डायरेक्टर, जिसके पास टॉप मैनेजमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग्स और उनके डिसीजंस तक अप्रोच होती है, और उसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि अगर इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो वो इतने सेंसिटिव है कि कंपनी की जो शेयर्स और कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ है उनकी प्राइस में एक मेजर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर कोई पर्सन खुद या अपने रिलेटिव को ऐसा करने के लिए किसमें सिक्योरिटीज़ में डील करके उसमें बेनिफिट कमाने की अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सब एथिकल इश्यूज हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है तो उस पर्सन के ऊपर बिलीव करके, उस पर्सन के ऊपर भरोसा करके कि वो इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता, उसका मिसयूज करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग करता है या सिक्योरिटीज से रिलेटेड फ्रॉड करता है, तो ये सब फाइनेंस में अनएथिकल माना जाएगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन, ब्राइबरी और ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का ओवर बिलिंग करना, ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाना और हमारे प्रॉफिट को कम करना, या ब्राइबरी मतलब रिश्वत लेना, एंड फेक रीइंबर्समेंट्स, गलत खर्चे दिखा के उनका रीइंबर्समेंट लेना, तो ये सब
क्या है एथिकल इश्यूज इन फाइनेंस। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आता है एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एथिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं देखते हैं। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रेस, रिलीजन एटसेट्रा। इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना बिटवीन ह्यूमंस, बेसिस ऑफ एज ये जवान और बूढ़े में डिफरेंस करना, जेंडर बेस्ड ऑन जैसे कि सॉरी मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, रेस के बेसिस पे काले और गोरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना, बेस्ड ऑन रिलीजियन हिंदू मुस्लिम इन दोनों इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट, हम सभी जानते हैं ये एक बहुत बुरी एथिकल प्रैक्टिस है जो कि अक्सर देखी जाती है। एफर्मेटिव एक्शंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस एंड ट्रेड यूनियनाइजेशन, वर्क प्लेस का डेमोक्रेटाइज करना और ट्रेड यूनियन बनाना, ट्रेड यूनियन बना के कंपनी को नुकसान पहुंचाना, सब वर्कर मिलकर के स्ट्राइक कर रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट, कोई डिमांड कर रहे हैं उससे कंपनी का क्या होता है नुकसान, तो ये सब एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। और नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विसल ब्लोअर्स। देखो विसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोज अपलोडेड हैं आप वहां पर देख सकते हैं। मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ विसल ब्लोअर्स कौन लोग होते हैं। ये लोग होते हैं कंपनी के या तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज या कंपनी के पास्ट एम्प्लॉयज, कोई भी हो सकते हैं, जिन्हें कंपनी के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है, मतलब कंपनी में कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो रही हैं, कुछ गलत बातें हो रही हैं जिनका इन्हें पता चलता है और ये उन्हें पब्लिकली अनाउंस करते हैं, जिससे क्या होता है कंपनी की इमेज खराब होती है। ऐसा करने से क्या होता है जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हैं, जो सीनियर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या करते हैं इन विसल ब्लोअर्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो लोग इस तरह से कंपनी की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं या जो कंपनी के जो भी गलत इंटेंशन है वो बाहर पब्लिकली अनाउंस करते हैं, पब्लिकली बताते हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनी क्या करती है या तो उनकी सैलरी कट कर देगी या उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगी या उन्हें अपने जॉब से हटा देगी। तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विसल ब्लोअर्स ये एक एथिकल इशू है इन ह्यूमन रिसोर्सेज। फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्थ इश्यूज, दीज ऑल आर सम एथिकल इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या आता है एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो पहला है प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड स्कीमिंग। तो मार्केटिंग में प्राइस से रिलेटेड एथिकल इश्यूज क्या आते हैं कि प्राइस फिक्स कर देना। देखो ये एथिकली सही नहीं है कि दो कंपनीज मिलकर के मार्केट जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं ऐसी दो कंपनी मिलकर के प्राइस फिक्स कर दें, जिससे कि कस्टमर का भी नुकसान हो और कोई कॉम्पिटिटर है उसका भी नुकसान हो। ऐसी कोई प्राइस फिक्स कर देना जिससे कस्टमर को भी नुकसान पहुंचे या कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचे, तो ये सब एथिकली सही नहीं है। या प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए या अलग अलग रिलीजन या किसी भी अलग क्राइटेरिया के ऊपर प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना या स्कीमिंग करना, दीज ऑल आर सम एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग एस्पेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है एथिकल इशू, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कौन डिफाइन करता है, ये कंपटीशन एक्ट 2002 डिफाइन करता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को। ये इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि जो मार्केट डोमिनेंट कंपनीज होती हैं वो इस तरह की प्रैक्टिसेस या एग्रीमेंट्स में इंक्लूड होती है जिससे कि वो मार्केट से कंपटीशन को हटा सके। मार्केट में कंपटीशन होना कस्टमर्स के लिए और मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन अगर रहेगा तो कस्टमर तक बढ़िया क्वालिटी और सही प्राइस पर प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे। तो अगर कोई कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं तो दीज आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। उसके बाद है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गलत एडवर्टीज करके या गलत अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से बता करके उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी या साइज या उसकी जो भी प्राइस है उसे गलत मिसलीड करना और पब्लिक से पब्लिक डिमांड्स एश्योर करना, दीज आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग। या चिल्ड्रन एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग में चिल्ड्रंस को यूज करना या उनकी सर्विसेज को यूज करना, और ब्लैक मार्केट एंड ग्रे मार्केट, दीज ऑल आर एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग एस्पेक्ट। नेक्स्ट है एथिक्स इन प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन में क्या क्या एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि डिफेक्टिव, एडिक्टिव एंड डेंजरस प्रोडक्ट्स। कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही है जो कि डिफेक्टिव है या एडिक्टिव है, एडिक्टिव का मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट दे रही है जिससे पब्लिक को लत लग जाए, आगे उसे प्रॉब्लम हो, या डेंजरस प्रोडक्ट जिससे जनरल जो कंज्यूमर है उसे नुकसान पहुंचे, या फिर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल या एथिक्स, इस तरह की बातें। कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है या एनवायरमेंटल एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये एथिक्स है, ये एथिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। देखो, हो सकता है प्रोडक्शन में कोई नई टेक्नोलॉजी यूज करी और उससे इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, अब वो उससे होता क्या है, फूड को टेक्नोलॉजिकली और जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया उसका ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उससे हो सकता है उसमें इस तरह के टेक्नोलॉजी यूज़ करी, इस तरह के केमिकल्स यूज करें जो अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर है उसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये एस्पेक्ट एथिकली गलत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट टेस्टिंग एथिक्स। तो प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट, तो इस तरह के सब, और टेस्टिंग में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, गलत तरीके से उन्हें अप्रूव किया जा रहा है, तो दीज आर ऑल अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन एस्पेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में एथिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। देखो, अगर किसी भी बिजनेस में एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो उसके एम्प्लॉयज और उसका जो स्टाफ है उनके बीच में उसकी एक ट्रस्टवर्दी इमेज बनेगी, एक गुडविल जनरेट होगी, और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें एनवायरमेंट जब अच्छा लगेगा तो वो कंपनी को छोड़कर नहीं जाएंगे, और वो तो छोड़कर जाएंगे नहीं, और दूसरे जो और जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, वो जो जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करेंगे जिनमें एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, जो ट्रस्टवर्दी और जिसकी अच्छे गुडविल हैं। तो पढ़ते हैं अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। एथिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज एन एनवायरमेंट दैट इज ट्रस्टवर्दी वेयर एम्प्लॉयज कैन एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट, ठीक है। और एथिकल क्लाइमेट मैटर्स अ लॉट टू एम्प्लॉयज एंड दे एस्पायर टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस विद हाई एथिकल वैल्यूज। तो क्या बोलता है, एथिकल क्लाइमेट एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, मैटर्स अ लॉट टू एम्प्लॉयज, और वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए तत्पर रहते हैं, एस्पायर रहते हैं जिसके हाई एथिकल वैल्यूज हो। तो इससे क्या होगा, जो टैलेंट है वो अट्रैक्ट कर, जो वो एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस को अट्रैक्ट करेगा और रिटेन किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, इन्वेस्टर लॉयल्टी। आजकल इन्वेस्टर्स भी बहुत अवेयर हो गए और उनको भी पता है कि जो एथिकल एनवायरमेंट या एथिकल क्लाइमेट जिस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा और उसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, और जिसमें अच्छी एफिशिएंसी और प्रॉफिट्स होंगे इन्वेस्टर उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो एथिकल क्लाइमेट मेंटेन करने से क्या होगा, इन्वेस्टर्स की लॉयल्टी गेन की जा सकती है। तो पढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर दैट एन एथिकल क्लाइमेट इंक्रीजेस एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स, और सच ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स लॉयल्टी एंड देयर इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली अगर जिस कंपनी में हाई एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी उसके कस्टमर्स उतने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, रिपीटेड परचेज ऑर्डर्स देंगे, कंपनी से लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, कंपनी से लंबे टाइम तक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, और इससे कंपनी की सक्सेस बनी रहेगी। तो क्या है, नेम ऑफ कंपनी शुड इवोक ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट अमंग कस्टमर्स फॉर सक्सेस विच इज अचीव्ड ओनली व्हेन इट अडॉप्ट्स एथिकल प्रैक्टिसेस। कंपनी का नाम ही ऐसा होना चाहिए जिससे कि सुनते ही कस्टमर के दिमाग में एक ट्रस्ट और रेस्पेक्ट की फीलिंग आ जाए। कंपनी को अपनी गुडविल इस लेवल तक मेंटेन करनी चाहिए। इससे क्या होगा, और ये सिर्फ तब अचीव किया जा सकता है ओनली व्हेन
इट अडॉप्ट्स एथिकल प्रैक्टिसेस। अगर कंपनी एथिकली ऑपरेट करेगी, एथिकली एथिकल प्रैक्टिसेस को अप्लाई करेगी, उन्हें फॉलो करेगी, तभी जाकर के कंपनी एक ऐसी इमेज एंजॉय करेगी। और इससे होगा क्या, रिपीटेड परचेज ऑर्डर्स एंड एन एंड्योरिंग रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। और लास्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन होते हैं, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस को रेगुलेट करते हैं। कंपनी कितनी कंप्लायंट है, कंपनी रूल्स और रेगुलेशंस को कितना फॉलो कर रही है, ये उन्हें जज करते हैं। जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, या गवर्नमेंट्स हो गई, तो ये सब होते हैं रेगुलेटर्स, मार्केट रेगुलेटर्स। तो इनके लिए क्या फायदा हो जाएगा, अगर कंपनी एथिकल रहेगी, कंपनी की अच्छी इमेज बनेगी कि वो एथिकल पॉलिसीज को फॉलो करती है, वो लॉज और रेगुलेशंस के लिए कंप्लायंट है, सभी लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो रेगुलेटर्स के लिए आसान हो जाएगा और उसे बार बार कंपनी की जो एथिकल फंक्शनिंग है उसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स एज पर बिजनेस एथिक्स नॉट ओनली अर्न्स प्रॉफिट बट ऑल्सो गेन्स पब्लिक रेप्यूटेशन एंड रेगुलेटर्स नीड नॉट ऑलवेज मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ एथिकली साउंड कंपनीज। जो कंपनी एथिकली साउंड है, एथिकली स्टेबल है, उसे बार बार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने देखे एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, नोट्स को नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ये नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशियंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ कमी है या कुछ इम्प्रूवमेंट है या आपकी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है वो भी आप बताएं, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको यूट्यूब खोल के अलग से बार बार लेक्चर्स सर्च नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ आप सब्सक्रिप्शंस खोलिए, वहाँ पर एजी लर्निंग चैनल मिलेगा, आपके पास सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।